साउथ वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने युद्ध के मैदान की व्यापारिक दुनिया से तुलना करते हुए एक दिलचस्प प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने कहा कि दोनों स्थितियों में एक अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता का वातावरण है। वह डाटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड की 25वीं सिल्वर जुबली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत डाटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड चेयरमैन बाबूलाल डाटा और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ द्वारा दीप प्रज्वलित करने के साथ शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में डाटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा भारत में पहली बार प्रोजेक्ट प्राइवेट GPT एंड AI रिप्लाई लॉन्च किया गया। '98 में लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का और लाइसेंस लेने का, और उसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान में पहली बार हम इंटरनेट लेकर के आए। सन 1999 माह अप्रैल में हमने चालू की सर्विसेज, उसके हिसाब से हमारे 25 साल पूरे हो गए हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 25 साल में कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें करी और राजस्थान की पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अलावा हम राजस्थान की पहली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी कंपनी भी बने, क्योंकि इंटरनेट के साथ में हमने सॉफ्टवेयर का काम भी चालू किया और डेटा सेंटर का काम भी चालू किया। तो डेटा सेंटर, इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर काम करने वाली राजस्थान की पहली इकलौती कंपनी बनी वे बैक इन 1999। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स बनेंगे, सर्विसेज बनेंगे, लोग इसको उपयोग करेंगे और वो आपकी आम जिंदगी को आसान करेंगे, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे ईमेल लिखने में हो, चाहे सरकार चलाने में हो, चाहे चिट्ठी लिखने में हो। आज हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें वो ईमेल आती है ना आपके पास, उसका रिप्लाई अपना आप बनाएगा, आपको बनाने की दरकार नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। ये इसका उपयोग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए टेक्नोलॉजी, जैसे रेफ्रिजरेटर एज ए यूटिलिटी, इसका उपयोग जो है अलग अलग जगह होगा और वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे भविष्य को चेंज करेगा।